हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं गुड़ के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठे। वैसे तो आप ये कभी भी बना सकती हैं, लेकिन सर्दियों में गुड़ के पराठे खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और हेल्दी भी होते हैं, शरीर को अंदर से गर्माहट देते हैं। तो आप ज़रूर बनाइए, और बनाना बहुत आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गुड़ का पानी बना लेते हैं। तो गैस पर हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी डाल लिया है पैन में, और 1/2 कप हम यहाँ पे गुड़ डाल लेंगे। और गुड़ को मेल्ट होने तक हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना है आपको, बस गुड़ अच्छे से पानी में मिल जाए, क्योंकि इसी पानी से हम आटा लगाएंगे। और लगातार आप चलाते भी रहे, नहीं तो ये तली में चिपक जाएगा। तो बस पानी हमारा गुड़ का तैयार हो गया है। अब एक बोल ले लेते हैं और यहाँ पर हम गेहूँ का आटा डाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 चुटकी डालते हैं दालचीनी का पाउडर, इससे पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 हरी इलायची का हमने यहाँ पे पाउडर डाल लिया है। उसके बाद पहले अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे गुड़ वाला पानी डाल लेंगे। ध्यान रखना है पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म पानी आपको नहीं डालना है। जितना आप हाथ लगा सके उतने पानी से आपको आटा लगाना है। तो आटा हमारा तैयार है, 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। 1-2 मिनट हम इसे थोड़ा और सॉफ्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे पराठे और ज़्यादा अच्छे बने। तो देखिए, पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर पीड़ा ले लिया है, और आटा लगा के सूखा हम यहाँ पर इसको बेल लेंगे। तो पहले अभी हम गोल बेलेंगे, अच्छे से बड़ा साइज़ का बेलेंगे, थोड़ा अंदर से थोड़ा सा घी लगा लेंगे। चाहे तो आप तेल में भी बना सकती हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा ले आप अंदर की तरफ हल्का सा। उस बार के बाद देखिए हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। चाहे तो आप अपने मनपसंद के किसी भी शेप के पराठे बना सकती हैं, जैसे आपको अच्छे लगते हैं। उसके बाद फोल्ड करके दोबारा ऊपर से घी लगा लें, और इस तरीके से अंदर से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारा एक चौकोर पराठा बनके तैयार हो रहा है। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हल्के हल्के हाथों से बेले, ताकि कोने अच्छे से पतले हो जाए। तो बस अब हम गैस पे हमने यहाँ पे तवा रख दिया है। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे पराठा डालेंगे। और जब ये एक तरफ से हल्का सा सिक जाए, तो हम इन्हें दूसरी तरफ पलटेंगे। और जब दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए, उसके बाद ही आप ऊपर से घी या तेल लगाएं। अगर हम कच्ची रोटी में घी या तेल लगाते हैं, तो वो कच्चापन आता है उसमें, वो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो इसलिए हमेशा जब पराठा अच्छे से सिक जाता है दोनों साइड से, उसके बाद ही हमें घी या तेल लगाना चाहिए। और अच्छे से पराठे को पका लें, क्योंकि पराठे थोड़ा रोटी से मोटे होते हैं, तो अंदर से अच्छे से पकने चाहिए। तो मीडियम फ्लेम में आप इन्हें पकाएं, और दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा लें, और कोने कोने ज़रूर आप सेक लें, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए पराठों में। तो देखिए गुड़ के पराठे हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हम दूसरा वाला पराठा भी बना लेते हैं। इसे भी हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। उसके बाद हम यहाँ ऊपर से अच्छे से घी या तेल लगा लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से। तो बस देखिए कितने आसान है गुड़ के पराठे, ना ही आपको भरने की ज़रूरत पड़ी, और झटपट बन के ये तैयार हो गए। आप चाहे तो बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी उन्हें बना के दे सकती है, टेस्टी भी और हेल्दी भी है। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।